हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ ज्ञान चैनल और मैं हूं सुप्रीम अड़ी शुक्ल। हम यहां पर प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। 400 एमसीक्यूज का ये पूरा सीरीज है जिसमें ये आपको पांचवा वीडियो मिला है। पहले के चार वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का पूरा एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें बहुत कुछ कवर कर दिया है, अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आप वो कोर्स देख लीजिए और ये एमसीक्यूज देख लीजिए, इतने से आपका प्लीडिंग ड्राफ्टिंग अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखते हैं 201 से, न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात अधिकतम कितने दिन के भीतर निर्णय सुना दिया जाना चाहिए, मतलब मामले की सुनवाई पूरी होने के पश्चात मैक्सिमम कितने दिन के भीतर निर्णय सुना दिया जाना चाहिए, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि कितने दिन के भीतर निर्णय सुना दिया जाना चाहिए, अधिकतम ना लिखा होता तो आंसर होता 30 दिन। बट पूछा है कि अधिकतम कितने दिन के भीतर निर्णय सुना दिया जाना चाहिए, तो न्यायालय अधिकतम कितने दिन के भीतर निर्णय सुनाएगा, 60 दिन के अंदर। ठीक है, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही से ही आप आंसर जानते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्णय दिए जाने के पश्चात कितने दिन के भीतर न्यायालय द्वारा डिक्री तैयार कर लिया जाना चाहिए, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। मतलब निर्णय कोर्ट ने सुनवाई पूरी की, उसके बाद निर्णय सुना दिया, और निर्णय सुनाने कितने दिन के भीतर डिक्री प्राप्त तैयार हो जानी चाहिए, 15 दिन के भीतर। ये सब हमने आपको सीपीसी में भी पढ़ाया था, आपने वहां भी कोर्स में पढ़ा होगा। ये सीपीसी और प्लीडिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्री तैयार की जाती है आदेश 20 नियम 6 का के अंतर्गत, आदेश 20 नियम 6 का के 7 का के अंतर्गत, आदेश 20 नियम 8 का के अंतर्गत, आदेश 20 नियम 9 का के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या होगा, आदेश 20 नियम 6 का के अंतर्गत। गलत उत्तर को छांटना है, निर्णय सुनवाई हो जाने पर सुनाया जाएगा, निर्णय सुनाने की सूचना पक्षकारों को दी जाती है, न्यायाधीश पूर्वाधिकारी के निर्णय को सुना सकेगा, निर्णय का सुनाया जाना वैवेकीय है। तो इसमें से गलत उत्तर छांटना, निर्णय सुनवाई हो जाने के पर सुनाया जाएगा, ये सही है। निर्णय सुनाए जाने की सूचना पक्षकारों को दी जाती है, ये भी सही है। न्यायाधीश पूर्वाधिकारी के निर्णय को सुना सकेगा, मतलब अगर मान लीजिए एक न्यायाधीश ने पूरी सुनवाई की और निर्णय लिख के रख दिया है और उसका ट्रांसफर हो गया, तो उसके स्थान पर जो दूसरा न्यायिक अधिकारी आएगा वो क्या निर्णय सुना सकेगा, हाँ वह निर्णय सुना सकेगा। निर्णय का सुनाया जाना वैवेकीय है, ये नहीं, निर्णय का सुनाया जाना सिविल प्रक्रिया संहिता और सीआरपीसी दोनों में बड़े तक कि कब निर्णय सुनाया जाएगा, इसलिए ये विवेक पर आधारित नहीं है, ये संहिता में दिया गया है। निर्णय के अंतिम पैरा में उल्लेख होगा ब्याज एवं खर्चों का, समन तामीली का, दोष सिद्धि व दोष मुक्ति का, अनुतोष का। तो निर्णय के अंतिम पैरा में किसका उल्लेख होता है, ब्याज एवं खर्चों का उल्लेख होता है निर्णय के अंतिम पैरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिक्री की अंतर्वस्तु नहीं है पक्षकारों द्वारा प्रार्थित अनुतोष, डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी अनुतोष व अन्य अवधारण, बाद में खर्च किए गए खर्चों की रकम। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा तो डिक्री में लास्ट में खर्चों की रकम दी जाएगी, तो डिक्री में खर्चों की रकम होती है। पक्षकार जो अनुतोष प्रार्थित करते हैं उसके बारे में भी डिक्री में प्रावधान होता है। आपको अगर ये दो पॉइंट पता तो तीसरा पॉइंट भी आप जान जाएंगे कि अनुतोष होता है डिक्री में। तो डिक्री के अंतर्वस्तु में क्या नहीं रहा, डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, है ना। ये डिक्री की अंतर्वस्तु नहीं है बल्कि ये साधारण फैक्ट है कि जो डिक्री होती है वो निर्णय के अनुरूप होती है, बट ये डिक्री की अंतर्वस्तु थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन है, निर्णय के परिवर्तन के संबंध में सटीक उत्तर है, संशोधन हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन धारा 152 एवं धारा 114 के अधीन हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या, संशोधन धारा 152 और 114 के अधीन निर्णय के परिवर्तन में, निर्णय के परिवर्तन के संबंध में सटीक उत्तर है। ठीक है, संशोधन हो सकता है बट सेक्शन 152 और 114 के अधीन हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मामले में डिक्री पारित नहीं की जा सकती, अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के बाद में, चल संपत्ति के प्रदान के बाद में, हक सुफा के दावे में, या मध्यवर्ती लाभों के बाद में। तो किस विशिष्ट मामले में डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती, मध्यवर्ती लाभों के बाद में। ठीक है, ये सीपीसी में जब आप ऑर्डर 21 पढ़ेंगे तो वहां आपको ये सब पॉइंट मिलेंगे पढ़ने को, उसमें से ये है क्वेश्चन कि किस विशिष्ट मामले में डिक्री पारित नहीं की जा सकती, मध्यवर्ती लाभों के बाद में ऑर्डर पारित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति प्रशासन संबंधी वाद नहीं चला सकता, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रशासन के संबंध में वाद नहीं चला सकता, मृतक का कोई जन्मदाता, कोई रिथवागी लेगेटी, कोई रिश्तेदार, मृतक के ऊपर आश्रित, कौन व्यक्ति प्रशासन संबंधी वाद नहीं चला सकता। तो मृतक का जन्मदाता मतलब पिता चला सकता है, कोई रिक्त भोगी मतलब लेगेटी मतलब जो जिसके पास उसका उत्तराधिकार आया हो,
वो भी चला सकता है, मृतक के ऊपर आश्रित व्यक्ति भी चला सकते हैं, बट कोई रिश्तेदार मृतक का प्रशासन संबंधी वाद नहीं चला सकता। डिक्री के अंतर वस्तुएं दी गई हैं आदेश 20 नियम 6 में, आदेश 20 नियम 7 में, आदेश 20 नियम 8 में, आदेश 20 नियम 9 में। तो इसका आंसर है आदेश 20 नियम 6 में डिक्री की अंतर वस्तुएं दी गई हैं। ऑर्डर के जो रूल आते हैं इंपोर्टेंट वो यहाँ कवर हुए जा रहे हैं, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और चाहे तो आप इनको अलग से लिख भी सकते हैं, अलग से लिख के याद कर लीजिए। निर्णय सुनाए जाने के संबंध में क्या असत्य है, सुनवाई हो जाने पर सुनाया जाना चाहिए, निर्णय सुनाए जाने की सूचना पक्षकारों व अधिवक्ताओं को देनी चाहिए, तत्काल न सुनाए जाने पर 30 दिन के अंदर सुनाने का प्रयास करना चाहिए, हर हाल में 90 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए। तो निर्णय सुनाए जाने के संबंध में क्या असत्य है, हर हाल में 90 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए। क्यों, सुनवाई हो जाने पर सुनाया जाना चाहिए ये सही है, निर्णय सुनाए जाने की सूचना पक्षकारों अधिवक्ता को दी जाएगी ये भी सही है, तत्काल ना सुनाए जाने पर 30 दिन के अंदर सुनाने का प्रयास करना चाहिए ये भी सही है, हर हाल में 60 दिन के अंदर सुनाया जाना चाहिए। ये हमने आपको पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था आपको उससे याद होगा कि 60 दिन मैक्सिमम टाइम होता है, तो ये 90 दिन यहाँ पर दिया इसलिए ये गलत हो जाता है। अगला है सुफा के दावे को डिक्री से संबंधित नियम है, आदेश 20 नियम 12 में, आदेश 20 नियम 11 में, आदेश 20 नियम 10 में और आदेश 20 नियम 14 में। तो सुफा के दावे के डिक्री से संबंधित बात वो संबंधित रूल है आदेश 20 नियम 14 में। डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय लिखा गया है, जिस दिन निर्णय सुनाया गया था, निर्णय प्रदत्त किया गया था, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो डिक्री में केवल देखिए उपरोक्त सभी सत्य इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि या तो लिखे जाने की तारीख होगी या सुनाए जाने की तारीख होगी, तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकते है ना। तो क्या होगा आंसर इसका, डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति उत्तरवर्ती न्यायाधीश को प्राप्त है, मतलब जो पहले न्यायाधीश रहे हैं उनका अगर निर्णय लिखने के बाद ट्रांसफर हो जाता है तो उसको सुनाने की शक्ति उत्तरवर्ती न्यायाधीश को किस नियम के तहत प्राप्त है, तो आदेश 20 नियम 2 के अंतर्गत ये प्राप्त है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन आपराधिक अभिवचन से संबंधित, अभी तक हम लोग किससे संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, सिविल अभिवचन से संबंधित देख रहे थे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपराधिक अभिवचन से संबंधित है। आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग किस लेवल पर प्रारंभ होती है, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, या तो पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, आरोप पत्र दाखिल होने पर। तो जब कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट दाखिल की जाती है या कंप्लेंट दाखिल की जाती है तब न्यायिक प्रक्रिया को प्रारंभ माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर। अगला क्वेश्चन है परिवाद होता है लिखित मौखिक विवक्षित एक बात हो दोनों, तो हमने आपको बताया था कि प्रवाद में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने अपने कोर्स में बताया था, अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके कोर्स देख सकते हैं। प्रवाद लिखे क्या मौखिक किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। प्रवाद दाखिल किया जाता है थाने के वार साधक अधिकारी के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, किसी भी अधिकारी के समक्ष या न्यायालय के समक्ष। तो प्रवाद हमेशा ही किसके समक्ष दाखिल किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया जाता है। यहाँ आप आंसर गलत मत कर दीजिएगा, न्यायालय के समक्ष नहीं, क्योंकि सीआरपीसी में जो लिखा हुआ है प्रवाद दाखिल करने की बात वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है आपराधिक अपील का मुख्य उद्देश्य है विधिक प्रक्रिया को दूर करना, अधिकार संबंधी त्रुटियों को दूर करना, दंडावधि को कम करना, उपरोक्त सभी। तो विधिक प्रक्रिया में यहाँ पे ये क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ पे लिखा होगा विधिक प्रक्रिया की त्रुटि को दूर करना, अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को दूर करना, दंडावधि को कम करना और उपरोक्त सभी। तो आपराधिक अपील का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये चारों ही आपराधिक अपील के मुख्य उद्देश्य है, इन्हीं के कारण अपील की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपराधिक अपील प्रस्तुत की जा सकती है स्वयं अपीलार्थी द्वारा या अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा, एक बार दो दोनों द्वारा या केवल दो द्वारा। तो हमने आपको अपील के बारे में जब बताया था तो हमने वहां पे आपको पॉइंट ये डिस्क्राइब किया था कि जो अपील होती है वो अपीलार्थी द्वारा या अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दाखिल की जा सकती है, लेकिन वाद पत्र में हमेशा ही वादी और वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर रहते हैं, ये अंतर होता है। आपराधिक अपील में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए उनके कारण एवं उद्देश्यों का, आधारों का, विधि एवं तथ्य के प्रश्नों का, उपरोक्त सभी। तो विधि एवं तथ्य के जो प्रश्न है उनका निर्णय तो कोर्ट करेगा कि कौन से विधि के प्रश्न है, कौन से तथ्य के प्रश्न है। आपराधिक अपील का जो याचिका होगी उसमें उसके कारण और उद्देश्यों का वर्णन किया जाना चाहिए। आपराधिक अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं अपीलार्थी के, अधिवक्ता के, एक बात दोनों के, केवल दो के। तो आपका आंसर होगा एक बात दोनों के। अगर यहाँ पर
ये ऑप्शन होता है या तो एक के या तो दो के, तो वो आंसर सही होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कभी लाभार्थी का हस्ताक्षर करना संभव नहीं होता, तो अधिवक्ता के हस्ताक्षर से भी अपील दाखिल की जा सकती है। आपराधिक अपील में प्रार्थना की जाती है आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने की, आरोप से दोषमुक्त किए जाने की, दंडादेश के क्रियान्वयन को स्थगित किए जाने की, उपरोक्त सभी की। तो आपराधिक अपील में क्या प्रार्थना की जाती है, जो उपरोक्त सभी प्रार्थनाएं हैं वो आपराधिक अपील में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार है, सामान्य अधिकार पत्र, विशिष्ट अधिकार पत्र, एक बा दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों प्रकार की होती है, सामान्य अधिकार पत्र भी होते हैं और विशिष्ट अधिकार पत्र भी होते हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन तीन सही होगा, एक बा दो, दोनों। अगला क्वेश्चन, अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं दो साक्षियों एवं निष्पादक के, एक साक्षी एवं निष्पादक के, निष्पादक एवं उसके अधिवक्ता के, निष्पादक या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता के। पावर ऑफ अटॉर्नी पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो दो साक्षी और निष्पादक के हस्ताक्षर होना पावर ऑफ अटॉर्नी पर जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपराधिक रिवीजन का मुख्य उद्देश्य है ना, न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करना, अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटियों और अनियमितताओं को दूर करना, एक बा दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बा दो, दोनों, आपराधिक रिवीजन के दोनों ही मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 226, क्रिमिनल रिवीजन के लिए आवश्यक है किसी न्यायालय द्वारा मामले का निश्चय किया गया हो, ऐसा न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो, आलोच्य विनिश्चय अपील योग्य ना हो, ऐसे विनिश्चय अधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि, अनियमितता और अवैधानिकता हो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पुनरीक्षण में अधीनस्थ न्यायालय के किसी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश का परीक्षण किया जाता है, शुद्धता का, वैधता का, औचित्य का, कार्यवाही की नियमितता का, उपरोक्त सभी का। तो पुनरीक्षण में जो न्यायालय जांच करता है वो इन सभी चीजों की जांच करता है, शुद्धता, वैधता, औचित्य और कार्यवाही की नियमितता का। अगला क्वेश्चन है आपराधिक पुनरीक्षण की प्रार्थना की जाती है आलोच्य निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को अपास्त किए जाने के लिए, दंडादेश को निलंबित किए जाने के लिए, दोष मुक्त किए जाने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो आपराधिक पुनरीक्षण में आलोच्य निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की जाती है, ये प्रार्थनाएं अपील में होती हैं, आपराधिक पुनरीक्षण में ये प्रार्थनाएं नहीं की जाती हैं। सत्यापन किए जाने का प्रावधान नहीं है पुनरीक्षण में, अपील में, आवेदन पत्र में, उपरोक्त सभी में। किसमें वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, पुनरीक्षण और अपील का वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आरोप का उद्देश्य होता है अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना, विचारण को सुगम एवं सरल बनाना, अभियुक्त को जानकारी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरोप का उद्देश्य क्या होता है, आरोप का उद्देश्य होता है अभियुक्त पर अपराध का दोषारोपण करना, है ना, अभियुक्त पर ये आरोप लगेगा, कहते भी हैं कि अभियुक्त पर ये आरोप लगाए गए। तो आरोपों का दोषारोपण होता है आरोप निर्धारित करने का उद्देश्य। अगला है निम्नलिखित में से किस पर टिकट नहीं लगता है, जमानत प्रार्थना पत्र पर, संशोधन आवेदन पत्र पर, परिवाद पर, एक बा तीन, दोनों पर। तो जो कोर्ट में न्यायालय फीस की टिकट होती है वो किस पर नहीं लगती है, जमानत प्रार्थना पत्र पर नहीं लगती है, संशोधन आवेदन पत्र और परिवाद दोनों पर ही टिकट लगती है, जहां आरोप है कि जहां आरोप में हुई तात्विक गलती के कारण अभियुक्त के साथ न्याय नहीं हो पाया, वहां अभियुक्त के पुनर्विचारण के बारे में कौन सी धारा उपबंध करती है, यहां सीआरपीसी की धारा पूछी कि कौन सी धारा उपबंध करती है जहां आरोप में तात्विक गलती के कारण अभियुक्त के साथ न्याय नहीं हो पाया। तो इसका आंसर है धारा 464 क्लॉज 2, इसमें प्रावधान किया गया है कि आरोप में तात्विक गलती के कारण अगर विचारण नहीं, न्याय नहीं हो पाया तो गलती सुधारने के बारे में प्रावधान है। आ एक अवसर पर चोरी का, दूसरे अवसर पर घोर उपाधि का अभियुक्त है, आप पर दोनों अपराध के लिए आरोप पृथक रूप से लगाए जाने चाहिए और अलग अलग विचारण होना चाहिए, दोनों अपराधों के लिए संयुक्त रूप से आरोप लगाए जाने चाहिए और संयुक्त विचारण होना चाहिए, पहले गंभीर अपराध के लिए आरोप लगाया जाना चाहिए और विचारण होना चाहिए, दोनों अपराधों के लिए अलग अलग आरोप लगाए जाए किंतु दंड केवल एक के लिए दिया जा सकता है। तो आ एक अवसर पर और दूसरे अवसर, दो अलग अलग अवसर है तो दोनों अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाए जाने चाहिए और अलग विचारण होना चाहिए। अगर ये होता कि आ एक ही अवसर पर चोरी और घोर उपाधि का अभियुक्त है तो विचारण एक साथ किया जा सकता था, लेकिन चूंकि अलग अलग अवसर पर है तो अलग अलग विचारण किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकती है। धारा 216 के अंतर्गत, धारा 217 के अंतर्गत, धारा 218 के अंतर्गत या धारा 219 के अंतर्गत। तो धारा 216 में ये शक्ति दी गई है कि न्यायालय निर्णय होने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है अभियोजन का साक्ष्य लिए जाने से पहले, अभियुक्त के द्वारा बचाव प्रस्तुत किए जाने से पहले, जब अभियोजन एवं बचाव पक्ष दोनों का साक्ष्य ले लिया जाता है, निर्णय सुनाए जाने से पहले। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि धारा 216 के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने से पहले न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरोप में परिवर्तन किए जाने पर साक्षियों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा का प्रावधान है धारा 217 में, धारा 218 में, धारा 219 में और धारा 220 में। आरोप में परिवर्तन किए जाने पर साक्षियों को पुनः बुलाए जाने का प्रावधान किसमें है, धारा 217 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि होना आवश्यक नहीं है। उस अपराध का विचारण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है, आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया है, अब कथित अपराध के समय और स्थान की विशिष्टियां, जिस रीत से अपराध कारित किया गया उसकी विशिष्टियां। तो आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि होना आवश्यक नहीं है, तो आरोप में निम्नलिखित में से आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके अंतर्गत अपराध कथित रूप से कारित किया गया है ये होना आवश्यक नहीं है। अगर केवल उसके नाम से ही काम चल जाता है तो उसको जरूरी नहीं कि आप उसमें अपराध की पूरी परिभाषा ही लिखें। अगला क्वेश्चन, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के कितने अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है, तो इसके बारे में सीआरपीसी में क्या प्रावधान है, 2, 3, 4 या 5 कितने किस्म के अपराधों का आरोप एक ही वर्ष में किए गए अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है, तो आंसर होगा 3। तीन अपराध जो एक ही किस्म के हैं और एक ही वर्ष में किए गए उनका आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। सत्य उत्तर, किसी अभियुक्त व्यक्ति पर एक वर्ष में किए गए 3 से अधिक आरोपों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, जब ऐसे अपराध एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हों, जब ऐसे अपराध भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए हों। एक बार दो दोनों जब ऐसे अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किए गए हों, तो किसी अभियुक्त व्यक्ति पर एक वर्ष में किए गए 3 से अधिक अपराधों के लिए एक ही विचारण आरोप लगाया जा सकता है, जब अपराध की प्रकृति स्वयं हो, वो चाहे एक व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हो या भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 दोनों, यहाँ पर 1/2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे कार्य का अभियुक्त है जो चोरी की या चुराई की संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यास भंग या छल की कोर्ट में आ सकता है, उस पर केवल चोरी का आरोप है किंतु यह प्रतीत होता है कि उसने न्यास भंग का अपराध किया है, दोष मुक्त किया जा सकता है, चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, उन्मोचित किया जा सकता है। तो धारा 240 क्या कहती है, दोष मुक्त किया जा सकता है, चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, अपराध न्यास दोष किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, अगर बाद में प्रतीत होता है आरोप लगाने के बाद कि कोई नया अपराध उद्धृत होता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय हो, विशेष विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय हो, स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय हो, उपरोक्त सभी। तो धारा 241 में अपराध एक ही किस्म के तब माने जाते हैं जब इनमें से किसी प्रकार से वो समान मात्रा से दंडनीय हो, चाहे भारतीय दंड संहिता में हो, चाहे विशेष विधि में हो, चाहे स्थानीय विधि में हो। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, वे व्यक्ति जिन पर एक समान ऐसे अपराध का अभियोग है जो एक ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए हैं, वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर भिन्न संव्यवहारों के अनुक्रम में एक ही अपराध का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किसी भी संख्या में किए गए अपराधों का अभियोग है। तो इसका आंसर होगा वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है, उन्हीं का एक साथ विचारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आ शपथ पत्र पर यह कथन करता है कि उसने बा को क्लब में सा को मारते देखा था, बाद में सत्र न्यायालय में शपथ पर कहता है कि बा ने सा को कभी नहीं मारा, क्या अभियोजन के पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक होगा कि दोनों में से कौन सा कथन मिथ्या है।
आपको तभी सजा हो सकेगी जब यह सिद्ध हो जाए कि दोनों में से कौन सा कथन मिथ्या है, उसका अभियोजन विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण होगा। आप पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है कि चाहे यह सिद्ध ना हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में कौन सा कथन मिथ्या है, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष और सत्र न्यायालय के समक्ष दो कंट्राडक्टरी अगर आपने स्टेटमेंट दे दिए तो ये तो पक्का है कि उनमें से एक गलत है, तो उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप है पृथक आरोप होगा, इस नियम का अपवाद दंड प्रक्रिया संहिता में किन धाराओं में है? मतलब प्रत्येक भिन्न भिन्न अपराध के लिए भिन्न भिन्न पृथक आरोप होगा, इसका नियम अपवाद दंड प्रक्रिया संहिता किन धाराओं में? 219 में, 220 21 में, 219 20 22 में, 219 20 21 और 223 में। तो इसका आंसर है धारा 219 20 21 और 223 में ये अपवाद दिया गया है कि किन किन परिस्थितियों में विभिन्न अपराध के लिए व्यक्ति पर जिनका आरोप पृथक पृथक आरोप है उनको एक साथ आरोपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है? मतलब सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान किन धाराओं में किया गया? धारा 225 से 237, 238 से 243, 251 से 259 या 260 से 265? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 225 से 237 के मध्य न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, एक बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेषण व्यक्त किया, हम आरोप के कर्मकांड में किसी जादू अथवा सम्मोहन को देख पाने में असमर्थ हैं। यह आरोप से संबंधित इन प्रावधानों का सार है जो महत्व रखता है कि उनका भाष रूप अन्यथा धारित करने से केवल दोषी के लिए अवसर या बचाव प्रदान होता है और निर्दोष को कोई रक्षोपाय प्राप्त नहीं होता। न्यायालय ने यह संप्रेषण किया, आपको जब इतना लंबा क्वेश्चन है और आपको मेरे पढ़ने से एकदम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वहां वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया आरोप के परिवर्तन के संबंध में, आरोप के संयोजन के संबंध में, व्यक्ति जो संयुक्त रूप से आरोपित हो जाएंगे उनके संबंध में, या आरोप में भूल चूक या अनियमितता के संबंध में। तो न्यायालय ने यह संप्रेषण किसके बारे में किया था? आरोप में भूल चूक और अनियमितता के संबंध में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल बड़ा कर दिया इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। एक के विरुद्ध केवल चोरी का आरोप है और यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया था, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उसे दोष मुक्त किया जा सकता है, उसे केवल चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा इसका, उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए भी दोष सिद्ध किया जा सकता है। जरूरी नहीं जिसका आरोप लगाया जाए केवल उसी मामले में दोष सिद्ध किया जाए, अगर बाद में कोई और मामला प्रतीत होता है तो उसके लिए भी दोष सिद्ध किया जा सकता है। सूची एक और सूची दो दी गई है, सूचियों में दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है ना, कि कौन से जो मैचिंग है वो सही सही है और बाकी कौन सी मैचिंग गलत है, ठीक है। तो आरोप के अंतर्वस्तु 211 में ही दी गई है, आरोप में गलतियों का प्रभाव 215 में है, आरोप में परिवर्तन 216 में है, अभियोजन को वापस लेना 320 में नहीं है, अभियोजन को वापस लेना दूसरी धारा में है, 320 में अभियोजन को वापस लेने का प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए ये सुमलेखित नहीं है। तो ए बी सी तीन सुमलेखित है, कहाँ ए बी डी ए सी डी, ये है, ये आंसर हो जाएगा तीन ए बी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। यह प्रावधान 222 क्लॉज 2, 222 क्लॉज 3, 222 क्लॉज 4 या धारा 231, मतलब अपराध जिस अपराध का आरोप लगाया उससे छोटे अपराध पर दोषी किया जा सकता है, धारा 222 क्लॉज 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, मतलब जॉइंटली जॉइंटली उनको चार्ज लगाए जा सकते हैं उन पर अगर उन्होंने एक ही अपराध किया या एक ही अपराध में विभिन्न संव्यवहार किए हैं। तो किस धारा में इस बारे में प्रावधान है? धारा 223 में इस बारे में प्रावधान है, सीआरपीसी की धारा 223 में। इस तरीके से आपने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए प्लीडिंग ड्राफ्टिंग के। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कुछ फास्ट में करा रहा हूं, हाँ मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए क्योंकि परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है और अगर मैं इतना फास्ट नहीं कराऊंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2 से 3 बार आप देख लेंगे या थोड़ा सा स्पीड यूट्यूब से धीमी करके आप देख लेंगे तो आपको सही से तैयार हो जाएगा। हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इससे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और आप आगे किस प्रकार के वीडियो हमसे पाना चाहते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए।
और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर जाकर हमारा प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का कोर्स नहीं देखा तो उसको भी देखिए। थैंक यू।